अगर आप में वो फितरत है कि आप राजू हिरानी हो सकते हो, आप सुभाष कपूर हो सकते हो, आप कई ऐसे फिल्म, आप अनुभव सिन्हा में भी है वो काबिलियत, अगर आप में वो काबिलियत है कि आप एंटरटेनिंगली अपनी बात कह सकते हो, आप ग्रिप में भी रख सकते हो लोगों को, आप पकड़ के रख सकते हो, कहानी भी सुना सकते हो, अगर वो है तो वो बहुत अच्छी बात है। आप तो दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप अपने आप को खोजो, आप वो बनने की मत कोशिश करो, दूसरे की नकल करोगे ना तो मुंह के बल गिरोगे। हेलो सर, थैंक यू फॉर द वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। मेरा सवाल ये है सर कि हजारों जब आप बना रहे थे तो उस वक्त के कैरेक्टर्स और वो जो जेनरेशन थी, आपके पास उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्ट में फिल्म बन रही थी और आपने देखा उसे जाते हुए। लेकिन अगर आप आज के कोई फिल्म बना रहे हैं, आज के समय पर हम कोई फिल्म बना रहे हैं, तो आज तो हर रोज एक नई डेवलपमेंट उसमें हो रही है, तो एक बड़ी थिन लाइन जिसकी आप बात कर रहे थे बीइंग अ प्रोपेगेंडा फिल्म और एंड अ पॉलिटिकल फिल्म, वो कैसे एस्केप करी जाए? नहीं, मुझे समझ में आया। अगर आज पे अगर मैं फिल्म बना रहा हूं तो जैसे सर आप आज के समय पर फिल्म बना रहे हैं, तो आज तो हर रोज एक अलग एक डेवलपमेंट हो रही है। जैसे आपको लग रहा है कि एक पर्सपेक्टिव आपने बनाया, आपका एक ओपिनियन फॉर्म हुआ, और हर रोज अगले दिन पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ और था। तो इस वक्त में जैसे एक होता है, जैसे आपने कहा कि हाथ मिला के आगे बढ़ गए और वो रेवोल्यूशन आ गई, वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो अभी हम उस चीज को किस तरीके से एस्केप कर सकते हैं? क्योंकि एक ओपिनियन हमारा हर रोज फॉर्म हो रहा है, और हमारी पॉलिटिक्स और फिल्म की पॉलिटिक्स को एक दूसरे से दूर कैसे रखा जा सकता है? बोलोगे कि एक होता है कि आपने कुछ फायदा उठाया आज की समस्या का, और आपने कुछ की, आपका एक नजरिया है, और आप आज की समझ जो है वो आपके अंदर है कि नहीं, वो निहित। तो देखिए, चीजें तो बदलती है ही है ना, तो अभी हजारों जो है वो हाइंडसाइट में है, तो इसीलिए जो प्रोपेगेंडा फिल्म में होती है वो अपने वक्त की होती है सिर्फ। वो उस वक्त सेंसेशनल हो सकता है, हो सकता है कि वो उस वक्त आपको इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन वो दे विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। कथा जो सब्जेक्ट मैटर्स को, अपने नजरिए को, आप उस अपनी समझ को आप उसमें जब आप लाएंगे, तो वो फिर एक ख्याल जो है आपका जो है उसके अंदर आना पड़ा, उसके अंदर जब आएगा तब भाई आपकी फिल्म बनेगी। वो अब वो जो आप कह रहे हैं वो गलत हो सकता है, जो जिस नतीजे पे फिल्म ऐसा लग रहा है पहुंच रही है वो गलत भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन आपका अपनी उसमें सच्चाई अगर होगी तो वो अपनी तरह की एक सच्चाई होगी ना। अगर आपके बनाने में वो सच्चाई होगी, आप ट्रिक नहीं कर रहे हैं, आप क्लेवर नहीं हो रहे, आप सिंस एक फिल्म को उसके लॉजिकली उसको बना रहे हैं, उसकी जहां वो जा रही है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और आपने फिल्म बनाई तो अपनी तरह की वो फिल्म है, उसमें अपना सच है। एक सच तो नहीं है ना पूरी तरह से, कोई भी चीज पूरी तरह से तो सच नहीं। आप उससे क्यों डर रहे हैं? आप अपनी तरह से फिल्म बनाई है, आप डरिए मत। जी सर, थैंक यू सर। क्लेवर मत होइए, आप ट्रिक मत कीजिए, आप सेंसेशनल मत होइए, आप उससे कन्फ्रंट कीजिए किसी भी चीज को, और आप सिंसियरली उसकी उस पर फिल्म बनाइए, आप उसके साथ टकराइए और आप उससे गुजरिए, उसके थ्रू यू हैव अ रिलेशनशिप विद व्हाट यू आर डूइंग, एन एक्चुअल रिलेशनशिप, एंड यू मेक द फिल्म ट्रूथफुली। जनरेटर हैज इट्स ओन ट्रूथ, नो व्हाई यू वरीड। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है ये है कि सर, जो प्रोपोगेंडा फिल्म है उनको छोड़ के जो रियल पॉलिटिकल फिल्म है उनमें क्या चैलेंज है सर? क्योंकि देखा जाए तो जो इंडिया में है कि पॉलिटिकल फिल्म बहुत ही कम है सर, ये है सर, हाँ कम है, आप बनाइए ना, चैलेंज क्या है उसमें सर? आप लोगों ने जो जो इतने सारे बनाया है ना, आप लोगों ने, आप सर क्या चैलेंज फेस किया?
चैलेंज तो है, अब आप अपनी ढोल पीटने लगेंगे, बहुत चैलेंज है पॉलिटिकल फिल्म बनाने में, लोग जो है पैसा इतना आसानी से नहीं देते, थोड़ा सा स्टेटस को आप डिस्टर्ब करते हो, जो कमर्शियल इंडस्ट्री है और लोग हैं उनको तो लगता है कि आप उस एक तरह की ढर्रे की फिल्में बनाओ मजेदार, कुछ जो स्टेटस को चैलेंज नहीं करे और मजे करो और पैसे बनाओ सब ऐसा करें। जहां आप थोड़ा सा टेढ़े होने की कोशिश करते हो तो चैलेंज तो ही है, लेकिन उसमें अपना मजा भी है। देखिए आप टेढ़े हो गए तो आप परेशानी के लिए तैयार रहिए, अगर आप उल्टा काम करोगे, चैलेंज करोगे स्टेटस को जिस तरह की धर्रे में फिल्में बन रही हैं वैसे आप नहीं बनाओगे, तो आप ये अपेक्षा करो कि भाई आपको कोई गोद में बिठा के बड़ा अच्छे से व्यवहार करेगा और आपको बड़े पैसे बनेंगे आपकी लाइफ में और आपकी जिंदगी कुछ बड़ी बगैर परेशानी की होगी, तो ऐसा नहीं। वो तो कोई भी मतलब सिर्फ फिल्मेकर का थोड़ी ना है, कोई भी थोड़ा सा चैलेंज करेगा, कोई जिंदगी में किसी तरफ जाएगा जो ढर्रे से अलग है, लीक से अलग हटोगे परेशानियां होंगी। तैयार रहो, अपनी तरह की फिल्में बनाओ, एक बैकअप रखो अपना। मैं तो कहूंगा अगर आप, ये कई लोग नहीं कहेंगे लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप अपना, अगर आप फिल्मेकर हो और टेढ़ी फिल्में बनाना चाहते हो तो कुछ पैसे कमाने का जरिया कुछ अलग से बैकअप रखो। थैंक यू सर। प्रकुल। यस हेलो। सर यही आपने अभी जैसे कहा कि बैकअप रखो और एक अपनी फिल्म जो बनाना चाहते हो वो भी बनाओ, तो जैसे नो फादर्स इन कश्मीर आई, वो फिल्म थी अबाउट अ कैरेक्टर और उसकी सेटिंग ये थी कि वो कश्मीर में थी और उसके इश्यूज के बारे में थी। और तो ऐसी जब हम फिल्में बनाते हैं या किसी चीज को अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स भी आती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ दिखाना चाह रहे हो मे बी फॉर एंटरटेनमेंट, कि भाई ये एंटरटेनिंग ज्यादा अच्छा लगेगा अगर ये ऐसे करा जाए कोई सीन, लेकिन एट द सेम टाइम आप किसी को रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। कि जैसे मैं एक सीन सोच रहा था वैसे ही कि भाई मे बी पुलिस ना हेल्प कर पाए और वो आदमी खुद अपना एक्शन ले और सब भीड़ इकट्ठी करके जाए दुश्मन को मारने या कुछ भी जैसे की, तो उसके अंदर फिर मैं एकदम से रुक गया कि भाई नहीं, ये तो ये भी हो सकता है कि कोई इसको देखकर ये ना समझ ले कि भाई लिंचिंग ही सही तरीका है जस्टिस के लिए, और ये तो वो इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं करते हैं। तो हाउ डू यू डिसोसिएट योर वर्क विद दैट, कि आप वो कंफ्यूजन कैसे, वो वो बोल्डनेस कैसे लाते हो आप अपने काम में और कैसे उसके अराउंड वर्क करते हो कि भाई ये पॉलिटिकली भी करेक्ट हो एंटरटेनिंग भी हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिल्म को पैसा भी कमाना है ताकि नेक्स्ट आप अपना बोल पाए, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा। बेटा आपकी फितरत है, आप जो है मैं आपको बताऊं, वो बनने की कोशिश मत करो जो नहीं हो। आप देखो कई लोग होते हैं खुशकिस्मत है ना, वो खुशकिस्मत इस बात पे होते हैं कि वो एंटरटेनिंगली अपनी बात कह सकते हैं, वो ब्रॉड मास अपील भी हो सकती है उनके काम में और वो अपनी बात भी कह सकते हैं, वो खुशकिस्मत हो सकते हैं। कई लोग हैं जो नहीं हो सकते। आप, मैं बार बार ये कहूंगा आप लोगों से कि आप अपने आप को खोजो। हर आदमी का कि अगर आप ये हो कि आप इंडिपेंडेंट छोटी फिल्में ही बना सकते हो, आप डिफिकल्ट फिल्में ही बना सकते हो, आपकी फिल्में मेनस्ट्रीम नहीं है, तो आप अपने लिए कोई बैकअप पैसे का रखे रहो। अगर आप में वो फितरत है कि आप राजू हिरानी हो सकते हो, आप सुभाष कपूर हो सकते हो, आप कई ऐसे फिल्में, आप अनुभव सिन्हा में भी है वो काबिलियत, अगर आप में वो काबिलियत है कि आप एंटरटेनिंगली अपनी बात कह सकते हो, आप ग्रिप में भी रख सकते हो लोगों को, आप पकड़ के रख सकते हो, कहानी भी सुना सकते हो, अगर वो है तो वो बहुत अच्छी बात है। आप तो
दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप अपने आप को खोजो, आप वो बनने की मत कोशिश करो, दूसरे की नकल करोगे ना तो मुंह के बल गिरोगे। आप अपने से इश्क करो, मैं हूं मैं ऐसा हूं। अब मैं ऐसा हूं तो इसलिए क्योंकि मैं कम पॉपुलर हूं, इसका मतलब मैं गलत हूं ये भी नहीं है। मैं ईर्ष्या भी नहीं करूंगा उनसे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे। अपना तरीका खोजूंगा, अपनी तरह से फिल्म बनाते। आनंद पटवर्धन अपनी तरह से फिल्म बनाते, इतने साल से आप उसका नाम इसलिए ले रहे हो क्योंकि वो इतने साल तक टिका हुआ है। एक अनुराग कश्यप अपनी तरह से फिल्म बनाता, एक अनुभव सिन्हा अपनी तरह से फिल्म बनाता ना, एक मणि गोल थे वो अपनी तरह से फिल्म बनाते, एक सत्यजीत रे थे वो अपनी तरह से फिल्म बनाते। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी फितरत के हिसाब से फिल्म बनाते हैं। तो आप अपनी फितरत से फिल्म बनाओ। और आप इतना, आप मॉरल साइंस टीचर नहीं हो, आप जो है सिंसियरली फिल्म बनाओ। जो आप अगर अंत जो है वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, आप लोगों को जानबूझ के प्रवोक नहीं कर रहे हो, आप जानबूझ के कोई लिंचिंग मॉब की तरफ फिल्म को नहीं ले जा रहे हो, आप कुछ दर्शा रहे हो, तो आप अपने तरह की फिल्म बनाओ ना। आप क्यों घबरा रहे हो, डरो मत। जो आपके अंदर नेचुरली आता है वो करो। अगर आप नेचुरली जा रहे हो, ऑफकोर्स आपको क्राफ्ट सीखना पड़ता है, और क्राफ्ट जो है आता है प्रैक्टिस करके। आप आजकल तो बहुत आसान है, फोन है, जो भी है, एडिट सॉफ्टवेयर है, सब है, 10 लोग मिलके कहीं पे भी फिल्म बना सकते हैं, 4 एक्टर्स को लेके शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। आजकल तो हम लोग जब शुरू हुए तो ये सब कोई फैसिलिटीज ही नहीं थी। आजकल तो बहुत आसान, मतलब बहुत कुछ सहूलियत। थैंक यू सर। अमय देश पांडे। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप की फिल्मों में आप द रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, यू ट्रीट इट एज अ माइक्रोकॉस्म फॉर योर आइडिया। सो मतलब यू हैव डन इट फ्रॉम हजारों ख्वाहिश ऐसी टू ये साली जिंदगी विच वॉज अ क्राइम कॉमेडी टू इनकार टू दासदेव, एंड यू हैव डन इट इन योर अर्लियर फिल्म्स आल्सो फ्रॉम चमेली। सो व्हाट डू यू थिंक इज देयर इन दिस मैन वुमन रिलेशनशिप दैट इज सो इंटरेस्टिंग दैट इट कैन बी रीडन विथ डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, and how do you keep yourself fresh in the same sort of context? If you try and analyze yourself too much, it's a difficult thing. No, why should you? I find that idea of man woman relationship mein ek possessiveness hoti hai, ek idea of loyalty hoti hai, ek idea of एक सेल्फलेसनेस होता है, एक इसमें पोजेसिवनेस होता है, इसमें एक सेल्फिशनेस होता है। तो वो मतलब इट बिकम्स लाइक फॉर मी अ काइंड ऑफ अ वे टू डील विद मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल आप खोया खोया चांद देखें ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है फिल्म, लेकिन वो कई लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसी है वैसी है जो भी है। उसमें एक पॉइंट है इंटरवल के पास जहाँ पे वो जो स्टार है रजत कपूर जो कैरेक्टर है प्रेम कुमार, वो शायर जो है जो राइटर है उनको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देख लेता है और वो कहता है कि आप बड़े धोखेबाज निकले शायर साहब। तो वो कहते हैं कि भाई क्या है प्रेम साहब, या तो मैं आपको धोखा देता है अपने आप को, तो मैंने सोचा आपको ही दे देता हूँ। सो व्हाट इज द आइडिया ऑफ लॉयल्टी, कैन आई बी लॉयल टू माई सेल्फ और डू यू? So, I think, you know, the idea of love and the, जैसे कि हजारों का इश्क का आइडिया है, वो एक अलग आइडिया है ना कि एक तो रोमांटिक लव था गीता का सिद्धांत, एक दूसरे तरह की दोस्ती थी विक्रम के साथ, that kind of friendship lasted, no? A kind of human bond. What are we left with at the end of life, you know, or at the end of it? These are the aspects of, यही तो है ना कि मैं आपका, मतलब जब स्वानंद किरकिरे की लाइन है, बड़े underrated है मुझे लगता है, 21वीं सदी का खैर बेहतरीन गानों में से है, तो है, जब कभी ये दिल लगा दर्द ही हमें मिला, दिल की हर लगी का सुन लो दर्द ही एक सिला। यहाँ तक तो ठीक है, बहुत सारे गानों ने किया है,
जब कभी ये दिल लगा धन दी हमें मिला, दिल की हर लगी का सुन लो, दर्द दिए एक सिला, तो फिर क्यों नए नए से दर्द की तलाश में फिराक में उदास है दिल, नए नए से दर्द की तलाश में फिराक में उदास है दिल। यही तो जिंदगी की ख्वाहिश है ना, आप नए दर्द क्यों खोजते हो, आपको मालूम है बट वो आप दर्द की फिराक में उदास हो कि नया दर्द क्यों नहीं मिल रहा है ना, वो जो ह्यूमन कनेक्शन है वही तो है, वही तो है लॉस्ट सोल्स इन सर्च ऑफ समथिंग ऑफ मीनिंग इन लाइफ एंड व्हाट हेल्प्स यू गो थ्रू दैट इन दैट सर्च इज होल्डिंग ईच अदर हैंड नो sometimes that hand slips away, sometimes it doesn't, sometimes life is lonelier, sometimes in the effort of going wherever you want to go you lose things, that's life. So do you think the character of Arun comes from the line you've just quoted from the song? That's why my philosophy in life actually, I work very hard on that song with Sanand. Sir, so you just said ki you had worked on that song, wo character ke saath hi you developed it. So music or does it start even in the writing phase or wo baad mein aata hai kaisa? Aapke films mein? Kabhi baad mein aata, kabhi pehle aata. In Khoya Khoya Chaand it was integral to the script because the music jo tha. उस जमाने का तो दो तरह का म्यूजिक था खोया खोया चांद में, एक तो जो रेफरेंशियल था जो जमाने की फिल्मों का म्यूजिक था जिस तरह का, और एक जो था जो फिल्म का था हमारी फिल्म का म्यूजिक था, तो वो म्यूजिक जो था वो बहुत इंटीग्रल था खोया खोया चांद, तो हमने उसको मतलब राइटिंग ही के दौरान ही काम किया था। आनंद ने बहुत मेहनत की थी, वो तो ऑलमोस्ट लाइक अ को-स्क्रिप्ट राइटर इन दैट, वो एक महीना एक एक डेढ़ महीना मतलब खोए खोए चांद को करीब लिखने में 25 से एक महीना लगा था, रोज बैठना जब बात करना, अल्टीमेट लिखा उसी ने। अभिषेक दीक्षित, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फिल्म मेकिंग एंड फिल्म डायरेक्शन, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, एक्चुअली आई जस्ट वांट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन वन ऑफ योर ट्वीट व्हिच इज it's your tweet, I'm going to read your tweet. There is deliberate attempt to take away the power of directors. Now, there are supervisors everywhere. So, I just want to ask you, sir, what is this about? Who the supervisors are on the sets? Is this true? Ki matlab jo directors ka power hai, wo, I'll tell you, I know where you're going, and I've been tweeting about this and I've been writing about this. Because film is a medium which is best expressed maybe through a director, and it is a constant mere khayal se, it's a constant act of rewriting. So aap pehle kahani likhte ho, ek dhancha banate ho ek film ka, jab kagaz aapke samne hota hai ya कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने होता है, खाली होता है, और आप एक ब्लूप्रिंट बना रहे हो कि क्या होगी ये फिल्म, है ना, लेकिन उस कागज पे तो नहीं है फिल्म ना, उस कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं, अब आप उसको तब्दील करते हो, आप यू चेंज इट इनटू अ फिल्म, राइट, तो आप फिर लिखते हो, जब एक्टर सामने होता है, प्रॉपर्टी सामने होती है, सेट सामने होता है, कॉस्ट्यूम सामने होता है, कैमरा और एक्टर का और प्रॉप का और लोकेशन का और साउंड का एक रिश्ता आप बनाते हो और आप फिल्म को शूट करते हो, उसके बाद आप जो टुकड़े शूट करते हो उसको लेके जाते हो एडिट रूम में और आप उसको जोड़ते हो, आगे पीछे करते हो, तब्दील करते हो, तो फिर से आप लिख रहे हो, एक तरह से रिस्ट्रक्चर कर रहे हो कभी, फिर उसके बाद आप उस पर साउंड डालते हो, आप एक तरह का म्यूजिक डाल दो किसी सीन पे तो सीन का मतलब कुछ हो जाएगा, दूसरी तरह का म्यूजिक डाल दो तो सीन का मतलब कुछ और हो जाएगा, तो जो म्यूजिक है वो भी तो एक एक्ट ऑफ राइटिंग है ना, फिर आप मिक्सिंग उसकी करते हो, तो मुझे लगता है ये सब जो है, ये जो क्राफ्ट है सिनेमा का, उससे मेरा मतलब है कि वो डायरेक्टर का क्राफ्ट है, डायरेक्टर अलॉन्ग विद हिज कोलैबोरेटर्स,
चाहे जो भी मानो, जो ये इस मीडियम के हैं, तो ये सिर्फ जो डायलॉग राइटिंग का काम नहीं है या लिखने का काम नहीं है, तो वो डायरेक्टर का जो ये जो सिनेमा है उससे लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो इंडिविजुअलिज्म है उसका, उससे लोग, तो वो अपना विजन और अपना एक तरीका कोलैबोरेटर्स के साथ और जो को आर्टिस्ट के साथ मिलके किस तरह से एक फिल्म बनाए, वो थोड़ा सा डेंजर में दिखती है मुझे आज। लेकिन वो फिर आपका ही झगड़ा हुआ ही है, आप अपने मेंटेन करके रखो कैसे आप अपना विजन जो है, आप जो कहानी सुनाना चाह रहे हो, जो जिस तरह की फितरत है कहानी की, उसको कैसे मेंटेन करके रखो, ये डायरेक्टर का की जिम्मेदारी है। क्या प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टर की स्टोरी को मैनिपुलेट करता है जब भी वो फिल्म बनाने चाह रहे हैं, मतलब वो कमर्शियल, आई गेस कमर्शियल, आई मीन आई जस्ट वांट टू आस्क कि वो क्या कमर्शियल एस्पेक्ट्स ज्यादा ऐड करता है एक स्क्रिप्ट में, एक कहानी में? डिपेंड करता है, देखिए प्रोड्यूसर बड़ा अच्छा आदमी होता है, मुझे ऐसा लगता है एक प्रोड्यूसर आपके खाप पे पैसा लगाता है। आई थिंक अ गुड प्रोड्यूसर इज अ वेरी गुड पर्सन, इट्स एन अल्टीमेट एक्ट ऑफ ग्रेस। हु पुट्स मनी ऑन समबडी एल्सस ड्रीम, है ना? तो अगर आप ये मानो कि मैं यार आर्टिस्ट हूं और आर्टिस्ट पे तो सबको पैसा लगाना चाहिए और हमारा हक है और हमारे चमचागिरी लगाना और हमें हमारी पीठ थपथपाना और हमें सहलाना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, तो बात दूसरी है। लेकिन मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता, तो मैं बहुत ग्रेटफुल रहता हूँ उन प्रोड्यूसर्स से जो अच्छी फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो कुछ एक तरह से पिता की तरह होता है जो आपका ख्याल रखता है जब आप फिल्म बना रहे होते हो, उसको इंटरेस्ट होता है एक अच्छी क्रिएशन में, वो चाहे खुद वो क्रिएशन नहीं कर पाता है लेकिन उसको इंटरेस्ट होता है अच्छा काम हो, तो मुझे वो बंदा जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। Yes, I do agree, sir. And I just want to conclude my question by asking, I've seen, you know, three or four directors, including you, Vishal Bhardwaj, sir, Anurag Kashyap, and I would say, you know, there are a few more directors, Anubhav Sinha, let's suppose. You all were and are making films on politics. You know, you've included political things in your films. And recently, I've watched Anurag Kashyap's Choked, in which I've found so many political elements. So can you please justify your thoughts? I mean, that's, you know, during the conversation you've said that, you know, you talked about the propaganda and so many things. But I just want to ask you a few questions. Like, if we are making a film and if we really want to make it a political one, what role does our censorship board, I mean, plays in that case? Censorship, we have been fighting for 20, 30 years and can I tell you something? The dangerous thing is the censor in your own head. Beware of the censor in your own head. So there is a censor in your own head. आपको डराता है कि यार मैं ये फिल्म बनाऊंगा तो मेरी माँ क्या कहेगी, यार मेरे दोस्त क्या कहेंगे, वो आपके अंदर का सेंसर है, वो आपको एक तरह का काम करने से रोकता है। एक कमर्शियल सेंसर है कि इस तरह की फिल्म मत बनाओ, चलती नहीं है। तीसरा सेंसर है सरकारी, इस तरह की फिल्म जो है वो खलबली मचा देगी समाज में, ये कर देगी, ये बात क्या, ये बात मत कहो, वो बात मत कहो। हम लड़ते आते हैं सेंसरशिप से, बट आइडियल नहीं है कुछ। जैसे ईरान, फॉर इंस्टेंस, इन ईरान देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसरशिप इन टर्म्स ऑफ हाउ मेन एंड वुमेन इन सम रिलेशनशिप्स हैव टू बी शोन द आइडिया ऑफ सेक्सुअलिटी व्हाट, बट दे हैव यूज दैट रिस्ट्रिक्शन टू मेक ग्रेट फिल्म। नो, अगर आप देखेंगे तो बड़ी से बड़ी ईरानियन सिनेमा में ज्यादा सेक्सुअलिटी नहीं दिखती है क्या? Yes, sir. I'm getting your point, actually. Yeah. But they are internationally, they are better known as a cinema nation.
too, sir. I've seen so many Iranian films, and I just want to talk about, you know. So sometimes a restriction can be used. All I'm saying, I'm not saying there should be restrictions, but I'm saying there is no ideal world. So, you know, I mean, how do you know? You know, there is censorship everywhere. There's censorship mainly in your own head also. So, you know, you can't escape censorship. You have to deal with that all the time. And, you know, to deal with censorship and to work around it and to create something that you want to create and to say things that you want to say and to make films that you want to make, or create experiences that you want to create, that is the cleverness of artists. It, very few people talk about the clever. ऐसा लगता है कि artist वो है जो भड़ास निकाल रहा है अपना, जो वो करना चाहता है वो कह, आजाद जो है फक्कड़. लेकिन ये सब झूठ है. हर बड़ा आर्टिस्ट थोड़ा क्लेवर होता है. गालिब क्लेवर थे, है ना? तो हर बड़ा आर्टिस्ट जो है थोड़ा समझदार होता है. अब वो सर्कमस्टेंसेस को देख के अपने आप को कैसे जिंदा रख के अपनी फितरत का काम करके निकल जाए, वो है पूरा खेल. आप उस खेल को कैसे खेल लो वो आपके ऊपर है. लेकिन yes. जो आप बनाते हैं बड़े फिल्म मेकर्स की, मेरा तो ये है और मैं तो यार जो मन में आया करता हूँ, मैं फियरलेस हूँ और भाई साहब मैंने तो ये किया और मैं उससे लड़ गया था, वो सब चूतिया बना. थोड़ा बहुत हर आदमी समझदार होता है. आप समझदार रहो, आप अपनी तरह की काम को पकड़ो, आप अपनी समझ बढ़ाओ, आप ये समझो कि मैं किस तरह का काम अच्छा कर सकता हूँ, मेरी एक्चुअल फितरत कैसे है. अब आप अपना प्लान बनाओ कि मैं कैसे करूँ. ऑफ कोर्स एक पॉइंट पे आपको वो छलांग लेनी पड़ती है. डर के भी नहीं होता कुछ कि घबरा के आप बैठे रहो. एक अनुभव सिन्हा ने सोचा कि जिस तरह का सिनेमा मैं बनाता आया हूँ वो सब खत्म है, मैं अपनी फितरत का काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं मेरी फिल्में नहीं चल रही. जब वो अपनी फितरत का काम करने लगा तो उसकी फिल्म भी थोड़ी चल रही है, उसकी जिंदगी भी सुधर गई है, वो खुश भी ज्यादा है और फिल्में बना रहा है ना. तो अपनी फितरत से जब आप अलग रहते हो तब कमर्शियल भी नहीं हो पाते. आर्यन सिंह हियर हैज अ क्वेश्चन कि ही इज आस्किंग व्हाई डोंट यू एवर टॉक अबाउट ये साली जिंदगी. But people don't talk about. I love Ye Saari Zindagi. I love to talk about it. I think it's a great fun film, you know, and I really enjoyed making it. I had brilliant experience working with Irfan. I think it's also a kind of a political film in a way. I mean, as all films are political, you know, I really, really had a. I mean, I can talk about films which people talk about, no? So most people want to keep talking about Hazaro, what can I do? I think it's a good achievement. I'm really proud of that film. I had a good time making it. Hello, sir. Was watching your film, Jaane Bhi Do Yaaro, sometime back. I just want you to just talk about the writing process of this film. Which one? Jaane Bhi Do Yaaro. अरे यार जाने भी जा रहे हो. आई वॉज 22 ईयर ओल्ड किड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. इट वॉज द ग्रेस ऑफ अ मैन कॉल्ड कुंदन झा हु अलाउड मी टू एंटर हिज एरिया बिकॉज आई हैड कम फ्रॉम दिल्ली. आई हैड वर्कड इन थिएटर, आई न्यू एक्टर्स, आई न्यू हिंदी एंड आई न्यू सिनेमा. माय बैकग्राउंड विद माय फादर एंड फिल्म सोसाइटी एंड ऑल दैट. आई वाज अ ब्राइट यंग किड. And I had no idea that I could become a filmmaker at that time. Abhi hindsight mein kuch bhi bol sakte. So, I made with Kundan's first film also. And he was much older than me, of course. And he allowed me to work, to sit
But he used to come to my house, you know, and I worked with him on a film. He was the production manager. So, I mean, he used to come to my house because he used to live in Sion and I used to live in Koliwada. And his wife was very upset that he was not making a film and she wanted to go to London, you know, where she could get a job, and he was running away from that. So he came to my house and he was working on a script, and we started working on something, and I must have done something because he gave me credit. I have no idea. I mean, in hindsight, we were doing crazy things, and everybody, जब मैं हमने फिल्म लिखी थी वो, और जब मैं तो असिस्टेंट भी था उसमें उसका, that is my school, जाने भी यारों is my school. अगर आप बोलते हैं FTI का कोई है, कोई बोलता है किधर का हूँ, मैं जाने भी यारों. वो जो एक साल में मैंने सिनेमा सीखा, अब मुझे किसी ने करने दिया ये, मुझे करते करते कि भाई किसी को स्क्रिप्ट लिखने का मौका दे दिया इमीडिएटली, जिसने कभी स्क्रिप्ट नाम की चीज कभी लिखी नहीं थी, मतलब इमेजिनेशन में लिखी थी, ऐसे कुछ सोच समझ के कुछ कुछ लिखते रहते थे, लेकिन किसी एक्चुअल किसी ने प्रोफेशनली बैठा बोला कि लिखो मेरे साथ, आई एम वेरी ग्रेटफुल. कैसे होगा, मतलब वो बेफिक्री की फिल्में पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. एक आइडिया था कुंदन का, जो एंटोनी की एक फिल्म है ब्लो अप, तो उसमें उसका के वो डेड बॉडी जो है उसका फोटोग्राफ और फोटोग्राफर्स, हमने फिर वो जो जहाँ पे वो डेड बॉडी मिलती है पार्क में, इसलिए उसका नाम एंटोनी पार्क भी रख दिया, कि अगर आपको लगे कि ये थोड़ा आइडिया उधर से बोरोड है तो है, और वो हम मान रहे हैं. उसके बाद एंटोनी का ब्लो अप का और जाने जारों को लेना देना. अब वहां से लिखते लिखते कुछ कहानी बनते बनते कुछ बन गई यार. अब वो उसका इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉट नोइंग बेटर, मतलब इन माय केस, इन कुंदन्स केस इट इज अ वेरी प्रैक्टिस, यू नो, ही न्यू एंड ही वाज वेरी एकेडमिक एंड ही हैड, व्हेन ही वाज इन द इंस्टीट्यूट he had worked out comedy ka principle kya hota hai, Chaplin ka shooting ratio kaise hota hai, how do you keep milking a scene and usko kaise ghumate raho. wo mujhe bolta tha ye, aur bolta tha aisa karna chahiye, abhi is scene ko yahan khatam nahi karo, aur jaise ki matlab wo Naseer aaya us kamre mein, wahan pe Satish Kaushik bhi aa gaya, wo phone gir bhi gaya, उसके पीछे भी आ गया, वो घूमे जा रहा है, सीन घूमे जा रहा है, तो वो ये जो है वो कुंदन का प्रोवोकेशन है, उसमें हम लोग कुछ करते रहते थे. तो इट्स मुझे जवानी की, मतलब जवानी में जब की बेफिक्री होती है ना, जब नहीं मालूम कुछ तो आजाद होते हो ना आप. जब हमने फिल्म शूटिंग हो रही थी तो सारे एक्टर कहते थे क्या बेवकूफी है, लेकिन कहीं जुड़ जुड़ा के वो बन गई. तो वो इतने बगैर जाने हुए, बगैर प्रोसेस को समझे हुए फिल्म बनी कि हम लोगों को खुद ही नहीं पता कि हमने कैसे लिखी. तो आप नोटिस करो कि उसके बाद किसी ने जाने बिजारों, जो लोग जाने बिजारों में इन्वॉल्व थे, उन्होंने जाने बिजारों दोबारा क्यों नहीं लिखी, ना मैंने जाने बिजारों जैसी कोई फिल्म लिखी, ना कुंदन ने कोई जाने बिजारों जैसी फिल्म लिखी. मेरा सवाल दरअसल यही था कि आप लोग लिखे कैसे थे, लाइक इट्स सच एन अमेजिंग स्टोरी लाइन. वो बस लिखते सोचते सोचते ऐसा करेंगे, फिर वो, फिर अगर वो लोग इधर चले गए तो ऐसा होगा, फिर इम्प्रोवाइज कुछ करो, फिर ऐसा करो, अंत ऐसा होगा, आखिर में जाके फिर जो अंत था उसका, वो आखिर में जाके बना था, वो जो गला काटते हैं जाते जाते एंड में शूटिंग के दौरान बस्टर कीटन का बहुत असर है, मार्क्स ब्रदर्स का बहुत असर है, किशोर कुमार का बहुत असर है, चलती का नाम गाड़ी का असर है. आप देखो अगर फिल्म में तो बहुत सारी फिल्मों का इन्फ्लुएंस है, सीरियस फिल्मों का इन्फ्लुएंस है, गोडार्ड का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सब इंस्टीट्यूट के लड़के हैं, सिनेमा की बात करते करते उसमें एक आजादी है.
आप अगर आप देखिए तो फिल्म में जब देखो तब वो स्टाइल बदल जाता है, कभी बिल्कुल फार्स हो जाती है, कभी सीरियस हो जाती है, कभी रोमांटिक हो जाती है। तो एक कोई एक स्टाइल नहीं फॉलो कर रही फिल्म, सडनली वो हम हो गए कामयाब, आप गाने लगते हो, फिर सडनली स्टेशन पे एक सीन होता है और बोलता है जी में आता है कि मैं गोली चला दूं, तो वो एक सीरियस मोमेंट हो गया। फिर सडनली उधर से चले जाते हो आप महाभारत के सीन में जो बिल्कुल ही फार्स है, और महाभारत के सीन से जब आप निकलते हो तो सडनली वो उनका कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है और वो सब जेल चले जाते हैं और एंड में वो जेल में है। और वो तो मतलब उसमें तो एक कुंदन का ख्याल है, आफ्टर ऑल वो जो पैरामीटर्स जो सेट किए हैं और जो कहानी किस दायरे में जाएगी क्या होगा वो तो यू हैव टू थिंक ऑफ कुंदन नो। तो वो लेकिन वो लिखते लिखते कैसे वो फिल्म लिख दी गई वो एंड में जाके मेरे ख्याल से अगर मैं क्रेडिट दूं तो उसमें तीसरा जो क्रेडिट होना चाहिए था स्क्रीन प्ले का वो रेणु सलूजा को होना चाहिए। तो उसने एडिट में भी बहुत कंस्ट्रक्ट की है वो, और वो इट्स एन एडिटिंग मार्वल। तो क्रेडिट हमको मिल गया ना तो स्क्रीन प्ले का, अब भाई कुंदन को कुंदन को राइटफुली सबसे ज्यादा कुंदन की फिल्म है और वो उसको मिलना भी चाहिए जीनियस। लेकिन दोबारा कुंदन ने भी वैसी फिल्म नहीं बनाई, मतलब कभी कहाँ कभी ना कुछ आसपास, लेकिन जानेबदारों तो नहीं है ना उस तरह की पॉलिटिकल है ना उस तरह का, इट्स अ वेरी पॉलिटिकल सैड फिल्म नो जानेबदार। Exactly. It's a and the end. It's you know it's very pessimistic. It's very dark. In the behind the comedy is very. एक कुछ young लोग हैं जो गुस्सा है समाज से, वो जमाने का है, वो bridge तोड़ रही है, टूट रहा है, वो सब 80s का जो भारत है जो corruption से जूझ रहा है उस सब पे जो गुस्सा है हम सबको जो बहुत यंग है नौजवान लोगों का गुस्सा सा है वो जो एक कुंदन के कॉमिक हमको रखा उसने, तो वो क्योंकि उस कॉमिक डिसिप्लिन में बनी फिल्म तो वो इमॉर्टल हो गई। अगर वही सिर्फ महज गुस्सा होता और भड़ास होती तो वो फिल्म क्राफ्ट नहीं होगा ना फिल्म में किसी तरह का, तो लास्ट नहीं करेगी वो जो कला है वो कहीं उसको ये मीडियम जो है वो हमसे बेहतर है। इसलिए मैं वैसे कहता हूँ श्रद्धा में रहो मीडियम के सजदे में रहो। Yes sir, the film will बेहतर है वो माध्यम, तो माध्यम के दायरे में रहोगे उसके डिसिप्लिन में रहोगे उस कॉमेडी के डिसिप्लिन में रहोगे। जैसे कुंदन था वो हमको निकलने ही नहीं देता था उस डिसिप्लिन से। बहुत कम फिल्म है कॉमेडी तो वो बता था कॉमिक फिल्म अगर है तो उसका कॉमिक क्लाइमैक्स भी होना पड़ेगा। वो जो डिसिप्लिन में आप रहे ना तो ही वो इमोर्टल है। अगर आप कहीं फंस गए होते कि अच्छा आसानी से अदर से निकल के अच्छा आप सीरियस फिल्म बना के एंड में ऐसा कर दूंगा मैं, तो नहीं। वो डिसिप्लिन ने उस मीडियम ने उस जॉर ने उस स्टाइल में जब हम रहे तो हम जितने अच्छे थे उससे बेहतर हो गए। True sir, like this movie will मीडियम ने हमको बेटर बना दिया, हम उतने अच्छे हैं नहीं जितने लगते हैं। आप जाने भी जा रहे हो देखो या हजारों देखो या धारा भी देखो या ये साली देखो या चमेली देखो या खोया खोया जान देखो या कोई भी मेरी फिल्म देखो या किसी बड़े फिल्म मेकर की फिल्म देखो, तो फिल्म मेकर इतना अच्छा नहीं है जितना वो फिल्म उसकी अच्छी है, क्योंकि द मीडियम इज बेटर देन अस। आप हम लोगों से मिलोगे तो डिसअपॉइंट होगे,
Okay, like my question was, what makes short films different from feature films? Like, what's the integral aspect that should be unique to this medium, like short film? I don't know, and you must take what I say with a pinch of salt, because anybody who's great can dispute this. But I think short films are anti-dialogue. I think short films are the ultimate expression of cinema. And it's much more difficult to make a short film than a long feature. Just as an idea, a great short film. Somewhere, it has to make it in capture. But it comes to me, a long time capture. It's difficult to say. कैसे वो बहुत कुछ कह जाओ और कम में वो अल्टीमेट सिनेमा का कुछ शॉर्ट फिल्म अगर आप अच्छी बनाते रहो वो डिसिप्लिन बहुत अच्छा है क्योंकि मुमकिन जितना कम में आप कितना कह जाओ यही तो बात है खेल तो यही है ना कि कितने में कम में आप कितना कह जाओ वो आइडिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है शॉर्ट फिल्म में और मेरे ख्याल से जितना आप उसको डायलॉग के बगैर कर भर पाओ ना टिपिकल स्टेजीनेस थिएटर जैसे कि सिनेमा में बहुत कुछ थिएटर भी आ जाता है स्टेजीनेस आ जाता है उस तरह का शॉर्ट फिल्म में मेरे ख्याल से थोड़ा सा एंटी डायलॉग है ज्यादा सिनेमा की समझ ज्यादा होनी पड़ती Yeah. One more last question from Chintan. Sir, I just want to know about that last scene of Jaane Bhi Do Yaaro, that Mahabharat scene. Sir, uska jo idea tha, jo inspiration tha, wo kahan se mili aapko? Because I just love that scene. Even some of my friends love that scene. So I just want to know this. Yaar, wo kahan se kahan kya jaata hai, wo kuch pata nahi hota hai. वो बड़ा ऐसा कोई आइडिया आया कि इधर जाएगा फिर वो एक थिएटर कंपनी में चले जाएंगे फिर वहां क्या हो रहा है फिर वो महाभारत हो रहा है फिर वो एक इधर से उधर से करते करते कुछ निकल गया उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी है कुछ बट काफी कुछ मतलब जो सीन था वो तो पूरा ऐसे ही लिखा हुआ था कैसे आ गया वो मतलब क्योंकि इतने सारे कमाल के एक्टर्स भी तो है ना वो मुमकिन कम है अगर ओमपुरी नसीरुद्दीन शाह पंकज का वो आप देखो तो वो हुज़ हू है ना सतीश कौशिक सतीश शाह उसमें भक्ति बर्वे इतने सारे कमाल के एक्टर्स है ना उसमें फिल्म में तो उनसे मुमकिन हो गया वो और वो कुंदन की मतलब वो है ना कि इसको घुमाते जाओ ये होगा फिर ये दूसरा प्ले हो जाएगा फिर कोई जो भी प्रॉप मिला वो पहन के वो आ गया तो ये अकबर का पहन के आ गया ये उधर हो गया तो सडनली प्ले कुछ और था प्ले कुछ और हो गया और वो एब्सर्डिटी है वो पुल्ड इट आउट मतलब अगर वो लिखाई में लिखने में वो बहुत ही एब्सर्ड लगता था ऐसा लगता था ये वर्क ही नहीं करता क्या बेवकूफी वो कन्विक्शन है वो एक्टर्स का भी कन्विक्शन है और वो आर्ट का एक कि आप कुछ अलग ही ट्राई करो कुछ डेयरिंग होती है उसमें मैं कुछ टेढ़ा करता हूँ फिर उसको पुल ऑफ कर जाओ तो सबसे जब आप किसी रेजर उस पे चलते हो ना और फिर आप उसको पुल ऑफ कर दो तो वो पुल ऑफ हो गया अब पुल ऑफ हो गया तो हम हाइंडसाइड में बोल सकते हैं कि हमने ऐसा सोचा था अब हो गया वो How can young filmmakers navigate their ideas further and in future in such a political charged space where how we can make more and more social responsible films where we take away the fear of delivering better options. Hi, so actually I want to ask is what do you particularly want to say to the young filmmakers? Because in such a political charged environment, we are scared again and again to say things and make films. How can we start this butterfly effect of making more films that are more responsible and talking in subtle ways, in direct ways, in whichever ways? That's just film language. But how can we make such more films? If you have something to say on that.
mean, I think you should follow, I mean, at the end of it, first of all, you have to follow the game. To vomit out what you want to say is not filmmaking. So first, exercise that you have to learn the craft. I keep emphasizing that you have to be prostrate before the medium. That will make you, that will make your whatever you say or do more, much more effective. Then you have to find ways of saying it. No, the agar aapko aisa dar lag raha hai ki seedhe seedhe ye nahi keh sakta, to kuch aur kahiye, kisi aur tarike se kahiye. कहने के बड़े तरीके हैं ना. आप ईरानियन से सीखिए, वो बड़े सारे तरीके से चिल्ड्रंस फिल्में बना देते हैं, तो बच्चों के जरिए करते हैं काम. आप तरीके बहुत सारे हैं ना कि समझ में आए, सीधे सीधे भी कह सकते हो और उसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं. मैं तो ये कहूंगा कि यंगर फिल्म मेकर्स को अपनी कहानियां सुनानी चाहिए. मैं तो कहूंगा अपनी जगह से, अपने इलाकों की, अपने दिमाग की, अपनी तरह की जो है, अपने फितरत की फिल्में बनानी चाहिए. बगैर अब केयरफुल होना और डरपोक होना, इसके बीच में अगर मतलब आपको केयरफुल होना है लेकिन डरपोक थोड़ी ना होना. डरपोक तो कुछ भी नहीं कर सकता कभी. फियरलेस थोड़ा सा निडर होना तो फर्स्ट क्वालिटी है आर्टिस्ट की ना. आप उसमें भी कैसे बरकरार रखना और जिंदा रखना, वो इंसानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आप अपनी फिल्में बनाओ, अपने तरीके की फिल्में बनाओ, फिर हंसोगे, फिर जिंदगी की जब बड़े होगे तो थोड़ी जिंदगी की जिम्मेदारियां आएंगी, है ना. फिर आप सोचोगे कि दूध का बिल और उसके कॉलेज का बिल और तो वो भी सारी जिंदगी है, वो जिंदगी है, वो भी तो आएगा ना आपके. आप यू विल फेस इट. तभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा डर के भी रहने होगा नहीं, तो फिर वो इस मीडियम में आना ही नहीं चाहिए जो डरपोक है, तो आने नहीं चाहिए. ओके सर, वी कैन एंड दिस क्वेश्चंस नाउ. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम. इट वाज रियली एन इंस्पायरिंग सेशन. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.